क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 2014 में आया हुआ टू मार्क्स का और बहुत प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इफ एस सी एफ ओ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m - 30 फाइंड द वैल्यू एफ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ध्यान से समझो कि 140 और 180 का जो एस सी एफ होगा वो इस फॉर्म में होगा, तो क्या करेंगे। देखो सिंपल सा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं सर दिक्कत हो रही है, देखो इसका एस सी एफ निकालेंगे, इसका जो एस सी एफ होगा उसको इसके इक्वल कर देंगे और उसको एम वहां से एम की वैल्यू निकाल देंगे। देखो कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे 144 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से गया 72, फिर 2 से गया 36, फिर 2 से गया 18, फिर 2 से गया 9, फिर 3 से गया, फिर ये 3 से गया और ये 1, ऐसे 180 के निकाल लो, 180 के 2 से गया 90, फिर 2 से गया 45, 3 से गया 50, फिर 3 से गया 5 और यहां पे 1, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, एससीएफ के लिए कॉमन कॉमन क्या है, एससीएफ के लिए दोनों में कॉमन कॉमन क्या है, तो देखो मैं ध्यान से जो जो कॉमन है मैं उस पर सर्कल बनाता जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। सर एक तो 2 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है पहला। सर एक और 2 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है दूसरा। सर एक 3 भी कॉमन है, बिल्कुल बना दिया, और एक और 3 कॉमन है। इसके सिवा कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, बस इनको लिख देंगे क्या क्या कॉमन है, 2 × 2 × 3 × 3। आई बात समझ में भाई, दो ये कॉमन एक बार लिख दिया, 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 ऐसे करना है। तो कितना आ जाएगा ये, 2 × 4 = 9, तो कितना आ गया ये 36। अब देखो जो ये एससीएफ है वही इसी के इक्वल है, तो कुछ नहीं करना है, 36 को लिख देंगे हम 13m - 3 के इक्वल। आई बात समझ में, यही वो कह रहा है कि इसका जो एससीएफ है वो इसके इक्वल है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। अब बस कुछ नहीं करना, इसको इधर ले आओ, 3 को इस 3 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 36 + 3 = 13m, तो यहां से कितना जाएगा 39 = 13m, और हमें क्या करना है m निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में है ऐसे, तो मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में, तो यहां इधर आ गया ये, तो कितना आ गया, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, m = देखो ये कट गया 3, 13 बन गया 13 थ्री गया, आ गया यही हमारा आंसर है। देखो दो नंबर का कितना प्यारा क्वेश्चन है, आ गया समझ में, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। ऐसा एक और क्वेश्चन है वो है उसमें 65m - 117n करके है, वो क्वेश्चन भी कराता हूं, वो भी बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना और अच्छे से देखो। और मैंने इस सीरीज में पिछले 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका वीडियो आपको आई लिंक में मिल जाएगा, ऊपर क्लिक कर लेना, देखो वो वीडियो के ऊपर में एक लिंक आएगा और वो भी आएगा, उस पर क्लिक कर लेना, डायरेक्ट आपको उस पर पहुंच जाओगे। सीरीज को देखो, मेरा वादा है इसके सिवा बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, मैंने बिल्कुल पूरा फोकस करके 7 साल के एक्सपीरियंस से आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैंने सारे पेपर एनालाइज किए, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन करते हैं,